नमस्कार, लताज ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। आज हम आईब्रो बनाना सीखेंगे। एक कोई भी मोटा कपड़ा लें, चाहे जींस का हो चाहे कोई और जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे लें और उस पर आईब्रो का आकार दें। जैसे आईब्रो का आकार आप दे देंगे उसे, तो आपको उस पर ही आईब्रो थ्रेड चलाना है। आईब्रो क्योंकि थ्रेड चलाने के उस पर आप जितना ज़्यादा थ्रेड चलाओगे आपको उतनी जल्दी आईब्रो बनानी आएगी। इसलिए आप बिल्कुल आराम से इस तरीके से थ्रेड चलाओ कि लगे कि आप किसी का आईब्रो बना रहे हो। क्योंकि आप जितना आराम से आईब्रो थ्रेड चलाओगे उतनी अच्छी आईब्रो बनेगी। जिसे बनाओगे आप उसे दर्द कम होगी, उस क्योंकि धागा जितना स्मूथ चलेगा, समझो कि आपकी आईब्रो में दर्द उतनी कम होगी। इसलिए आप आराम से आईब्रो थ्रेड चलाते जाएं। पहले ऊपर के भागों को क्लीन करें, एकदम आराम से धीरे धीरे क्लीन करें, बिल्कुल ही स्मूथली पूरा आराम से धीरे धीरे थ्रेड चलाएं। फिर आप नीचे की ओर ले जाएं, नीचे जैसे हम नीचे का आईब्रो बनाते हैं उस तरीके से आप धीरे धीरे आईब्रो बनाएं। धीरे धीरे धागा चलाते रहेंगे आराम आराम से, तो आपका आईब्रो जो है सो बहुत ही अच्छा बनेगा और आप जल्दी ही सीखोगे। अब हम आगे का आईब्रो बन चुका है, अब हम पीछे का आईब्रो बनाएंगे। अब पीछे का आईब्रो बनाने के लिए मुझे जिसका भी हम आईब्रो बनाते हैं पहले हम पीछे जाते हैं। इसी तरह कपड़े को भी पलट देना है आपको और हम पीछे का आईब्रो बनाएंगे, धागा चलाएंगे और उसी तरीके से धीरे धीरे लाइनिंग के ऊपर ही धागा आप चलाएं। जब भी चलना लाइनिंग के ऊपर धागा चलाएं, आप लाइनिंग को एक शेप मान के चलें। फिर आप नीचे की ओर लाएं थ्रेड को, फिर नीचे की ओर करें। फिर जैसे हम नीचे का बाल होता है एकदम लाइनिंग दे के धीरे धीरे करते जाएं, और जो छोटे मोटे बाल होते हैं उसे जब हम क्लीन करते हैं उसी तरीके से आप एकदम स्मूथली बढ़िया अच्छे ढंग से चलाएं फोरहेड पे। क्योंकि बहुत लोग फोरहेड भी बनवाते हैं तो हम फोरहेड पे भी थ्रेड चला देते हैं। इसलिए उस तरीके से आईब्रो आप जितना हल्का धागा, बिल्कुल हल्का धागा चलाएं, बिल्कुल ही हल्का चलाते जाएं आराम से धीरे धीरे अच्छी तरीके से। आपको बहुत जल्दी आईब्रो बनानी आ जाएगी। आप अगर इस तरीके से धागा चलाते हो तो आपको 2 से 3 दिन में आईब्रो आप बनाना सीख जाओगे।